Dear students, our next chapter is accounting equation. As you all already studied in the plus one class, accounting equation. This is the basic accounting equation which we follow in the accounts. जैसा कि आप लोगों ने पहले प्लस वन में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन चाहे हमारी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसके बाद हमेशा इक्वल रहती है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी टू फोल्ड प्रिंसिपल पर बेस है। इसके अनुसार बोथ साइड्स दैट इज डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड आर इक्वल ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगी क्योंकि हम अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। जितनी अमाउंट हमारी डेबिट होती है उतनी अमाउंट हमारी क्रेडिट होती है। सो इन अनदर वर्ड वी कैन से टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स, जितनी भी हमारी एसेट हैं उन सब का टोटल, हमारी टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटी एंड कैपिटल, लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होगा। इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी को हम आउटसाइडर इक्विटी भी बोलते हैं। ये इक्वेशन डिफरेंट आइटम्स जो बैलेंस शीट की है हमारी उनके बीच में रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है, इसलिए इनको बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं। एज एक्सप्लेन अर्लियर द बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंट एसेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ ए बिजनेस ऑन अ सर्टेन डेट। बैलेंस शीट एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल के बारे में बताती है। सो इट इज़ ईजी टू प्रपेयर बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की सहायता से हमारे लिए बैलेंस शीट बनाना आसान हो जाता है। क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन मेक द चेंज इन एसेट लाइबिलिटी कैपिटल ऑफ बिजनेस। हर एक ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेस की करते हैं उसके बाद हमारी एसेट में, लाइबिलिटी में, कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। आफ्टर दिस चेंज द टोटल ऑफ एसेट रिमेन इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारा जो चेंज आता है उस चेंज आने के बाद हमारा एसेट का टोटल हमेशा टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल टू होता है। क्योंकि हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट इंक्रीज हो, कॉरस्पॉन्डिंग हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उसमें भी इफेक्ट आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बिजनेस में क्या आ गया? कैश आ गया और दूसरे पार्ट पे कैपिटल आ गई। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कैश उस तरफ आ गया हमारा कैपिटल, तो कैश इज इक्वल टू कैपिटल। कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो क्या होगा? कैश हमारा रिड्यूस हो गया, माइनस हो जाएगा, बैंक में हमारे ऐड हो जाएगा, कैपिटल हमारी टोटल वही रहेगी जो ऑलरेडी थी। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, कैश एक एसेट हमारी कम हो गई, दूसरी एसेट हमारी बैंक वो बढ़ गई है। कैश विड्रॉ किया बैंक से, अगेन कैश हमारे पास आ गया, कैश हमारा एसेट है वो इंक्रीज हो गया, बैंक हमारा एसेट थी वहाँ से पैसे हमने विड्रॉ कर लिए तो कम हो जाएगा, दोनों का टोटल कैपिटल के इक्वल हमारा रहेगा। पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश निकाला तो क्या होगा? कैश हमारा कम हो गया, एसेट हमारी कम हो गई, उधर से ड्रॉइंग होगी पर्सनल यूज़ के लिए, कैपिटल में से लेस हो जाएगा हमारी, लेस हो जाएगी, तो हमेशा कैश और प्लस बैंक इज इक्वल टू कैपिटल हमारा रहेगा। गुड परचेज़ की कैश में, कैश कम हो गया, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, उधर कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो इधर क्या हुआ? एक एसेट डिक्रीज हो गई, दूसरी एसेट बढ़ गई, लेकिन उसका टोटल कैपिटल के इक्वल टू रहेगा। फिर क्या है? उधार पे हमने माल खरीदा, कैश में कोई चेंज नहीं आया, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक
स्टॉक में हमारे क्या हो गया, गुड्स आ गई हैं, गुड्स इंक्रीज हो गई, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, उधर कैपिटल तो एज इट इज़ रही, बट लाइबिलिटी में क्या हुआ, हमारे क्रेडिटर जनरेट हो गए, तो कैपिटल क्रेडिटर इंक्रीज हो गई हमारे। फिर हमने नगद में माल बेचा तो क्या होगा, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, कैश में ऐड हो जाएगा, गुड्स हमारी कम हो गई तो स्टॉक में से गुड्स हमारी लेस हो जाएंगी, अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है तो कॉस्ट पर हमने सेल की है तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने का हमारा कैश में चेंजेज आया उतना ही हमारा स्टॉक में चेंजेज आया। उधार पे हमने माल बेचा, क्रेडिट पे हमने सेल की, कैश में कोई इंपैक्ट नहीं आया, बैंक में कोई इंपैक्ट नहीं आया, स्टॉक हमारा कम हो गया, गुड्स हमारी कम हो गई, डेटर हमारे इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा तो पैसा हमने लेना है, बिजनेस की एसेट हो गई तो डेटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, उधर कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा। हमने प्रॉफिट पर गुड्स को सेल किया, कैश इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो हमारा उधर प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो क्या होगा, कैश हमारा कम हो गया, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, डेटर में कोई चेंज नहीं आया, अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल हमारी लेस हो जाएगी क्योंकि हमें लॉस हो गया, कैपिटल में से हमारा लॉस लेस हो जाएगा। फिक्स एसेट हमने नगद में परचेज की, कैश हमारा कम हो गया, कैश में से लेस हो जाएगा, बैंक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर में कोई चेंज नहीं है, अदर एसेट हमारी बढ़ गई, अदर एसेट में हमारी क्या आएगा, फिक्स एसेट बढ़ गई है तो ऐड हो जाएगा, उधर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो अल्टीमेटली एसेट साइड में चेंज आया, क्या आया, जितनी अमाउंट की हमारी फिक्स एसेट इंक्रीज हो रही है उतनी अमाउंट का हमारा कैश कम हो रहा है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल रहेगी। उधार पे हमने परचेज की फिक्स एसेट, कैश में कोई चेंज नहीं आया, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, डेटर में कोई चेंज नहीं आया, फिक्स एसेट हमारी इंक्रीज हो गई, अदर एसेट में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, अब लाइबिलिटी में चेंज आ गया, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हमने उधार पे माल खरीदा, उस उधार पे गुड्स फिक्स एसेट्स खरीदी, वहाँ हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। फिर है हमारा फिक्स एसेट, हमने कैश में सेल की, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, डेटर में कोई चेंज नहीं आया, अदर एसेट्स में से फिक्स एसेट हमारी लेस हो जाएगी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, उधार पे हमने सेल किया, कैश में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बैंक में कोई नहीं आएगा, स्टॉक में कोई नहीं आएगा, डेटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उधार पे हमने किया तो हमने पैसा लेना है, हमारी डेटर बढ़ गई हैं, उधर हमारी फिक्स एसेट कम हो जाएगी अदर एसेट में से, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, प्रॉफिट हुआ हमें तो कैश हमारा ऐड हो जाएगा, बैंक में कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, अदर एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो क्या हुआ, कैश हमारा कम हो जाएगा, बैंक में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, डेटर में कोई चेंज नहीं, अदर एसेट में कोई चेंज नहीं, उधर कैपिटल में से लॉस हमारा लेस हो जाएगा, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, लेकिन हमारी इक्वेशन इक्वल रहेगी। डेटर से हमें पैसा मिल गया डिस्काउंट के साथ, कैश हमारा आ रहा है, ऐड हो जाएगा कैश में, बैंक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर हमारे कम हो गए, लेस हो जाएंगे, अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, कैपिटल कैपिटल में हमारे क्या फ़र्क आएगा, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया तो हमें जितना पैसा लेना था एसेट्स का तो वो उससे कम आ रहा है, कम आ रहा है तो वो हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, तो वो कैपिटल में से डिस्काउंट हमारा लेस हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। तो विदाउट डिस्काउंट है फिर क्या होगा, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर हमारे लेस हो जाएंगे क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो रहा है, अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, उधर कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ, ना हमने कोई डिस्काउंट दिया है, ना कुछ है, ना हमारा लॉस हुआ है, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है डिस्काउंट के साथ, तो कैश कम हो रहा है, कैश कम हो जाएगा, बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, अदर एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया तो कैपिटल इंक्रीज होगी, उसमें ऐड हो जाएगा जितना डिस्काउंट हमें मिला है, उधर से हमारी लाइबिलिटी कम होगी, जितने कि हमें क्रेडिटर को पे करना था वो क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी में से लेस हो जाएंगे।
विदाउट डिस्काउंट हमने पेमेंट की है तो क्या होगा, कैश हमारा कम हो गया, बैंक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर में कोई चेंज नहीं है, अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमें ना तो कोई डिस्काउंट मिला है ना लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, तो हमारा क्रेडिटर में से कम हो जाएगा। फिर हमें इनकम मिली है, इनकम मिली है तो कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो जाएगा, इनकम हमारा फायदा है तो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उधर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारी, या अक्रूड इनकम हम कह सकते हैं, तो कैश में, बैंक में, स्टॉक में, डेटर में कोई चेंज नहीं है। अदर एसेट्स हमारी बढ़ गई क्योंकि हमने पैसा रिसीव करना है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम हमारी ऐड हो जाएगी। इनकम हमारी जनरेट हो गई है, कैपिटल में ऐड हो जाएगी, तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एडवांस में हमें इनकम मिल गई है, कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि हमें एडवांस में इनकम मिली है, हमें काम करके देना है उसका, तो हमारी अदर लाइबिलिटी में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऐड हो जाएगी। हमने एक्सपेंसेस पे किए, कैश हमारा कम हो जाएगा, उधर हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कैपिटल को हमारा लेस कर देगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐसे साइड में हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक्सपेंस है हमारा लॉस हो गया, कैपिटल को कम करेगा तो हमारे कैपिटल में से वो एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। हमने पेमेंट नहीं की है, हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में बढ़ जाएंगे हमारे। प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी किसी एक्सपेंस की, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, उधर हमारी एसेट इंक्रीज हो गई क्योंकि उसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस से हमारी अदर एसेट में ऐड हो जाएगा, कैपिटल और लाइबिलिटी पे दूसरी साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमने लोन दिया है, कैश हमारा कम हो जाएगा, एसेट बढ़ गई क्योंकि हमने लोन दिया है, तो अदर एसेट्स में हमारी लोन गिवन ऐड हो जाएगी, कैपिटल और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। हमने लोन ले लिया, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश इंक्रीज हो जाएगा, उधर दूसरी तरफ इक्वेशन के हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ऑल लाइबिलिटीज़ में हमारा लोन टेकन जो है अमाउंट वो ऐड हो जाएगा, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। इंटरेस्ट हमने लोन पे मिला है तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम हमारी कैपिटल को बढ़ाती है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इक्वेशन सेम रहेगी, अदर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमने इंटरेस्ट को पे किया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा, उधर हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल को में से लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसको मिलता है, ओनर को मिलता है, तो ओनर को मिलता है, ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, किससे देना है, फर्म ने देना है, फर्म का लॉस है, लॉस कौन बियर करेगा, ओनर बियर करेगा, ओनर बियर करेगा तो कैपिटल में से ही लेस होना है, कैपिटल में ही ऐड होना है, सेम अमाउंट है, कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो एसेट्स में आएगा ना लाइबिलिटी में, कैपिटल में उतनी अमाउंट ऐड हो जाएगी उतनी ही लेस हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ओनर से लेना है, और जो वो इनकम हुई वो फर्म की हुई वो किसको मिलनी है, ओनर को मिलनी है, तो ओनर से ही लेना है, और जो इनकम हुई है उसके वे में वो ओनर को मिलनी है, तो कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस हो जाएगा और कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा, अदर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगेन हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। डेप्रिएशन लगाना है फिक्स एसेस्ट पे, तो फिक्स एसेस्ट में से हमारा डेप्रिएशन लेस हो जाएगा, एसेस्ट कम हो गई है, डेप्रिएशन हमारा लॉस है, लॉस है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाएगी, अगेन इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। फिक्स एसेट में एप्रिसिएशन हो गया है, अमाउंट बढ़ गई है, तो फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, हमारी एसेट्स बढ़ गई, उतना हमें फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने से क्या होगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल में जितना एप्रिसिएशन अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है हमारा, तो क्या होगा, स्टॉक हमारा कम हो गया क्योंकि हमने गुड्स जिससे परचेज की थी उसको लेस कर दिया है, उधर से हमने उधार पे खरीदा रखा था उसको माल वापस कर दिया, तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे लाइबिलिटी में से, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। सेल रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड है, तो डेटर ने हमें माल वापस किया है, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक में ऐड हो जाएगा, डेटर हमारे कम हो रहे हैं तो डेटर में से लेस हो जाएगा, दोनों ही
इम्पैक्ट ऐसे साइड में होंगे, लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई चेंजेज नहीं आएगा। बैड डेट्स राइट ऑफ किए या प्रोविज़न हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए बनाया तो डेटर में से लेस हो जाएगा, हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, अगेन इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। बैड डेट्स की रिकवरी हो गई, रिकवरी होगी तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश में ऐड हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हो गया, फ़ायदा होने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल में हमारे बढ़ जाएगा। 19 नंबर पॉइंट है लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स है तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, उधर लॉस हो गया, लॉस हो गया तो वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो स्टॉक हमारा कम हो रहा है, फ्री सैंपल हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस होने से कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल में से लेस कर देंगी। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस अदर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में देखा, तो हर लेवल पे हमारी इक्वेशन सेम रहती है। कुछ इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन से हम इसको समझते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा, डाटा दिया है इसके बेस पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया नगद 1,50,000 रुपये के साथ, तो क्या हो गया हमारे पास कैश आ रहा है 1,50,000 रुपया हमारी एसेस्ट हो गई, दूसरी तरफ कैपिटल आ रही है, कैपिटल हो गई हमारी 1,50,000 रुपये, तो दोनों साइड इक्वल है। फिर कहता है सैलरी पे की 30,000, कैश कम हो गया तो 150 में से 30 लेस हो जाएंगे, सैलरी हमारा एक्सपेंस है वो कैपिटल को कम कर देगा, कैपिटल में से लेस हो जाएंगे 120 120, अगेन इक्वेशन हमारी सेम है। फिर कहता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, नगद में हमने माल खरीदा, नगद में हमने माल खरीदा तो क्या हो जाएगा हमारा कैश कम हो जाएगा 60,000, उधर हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 60,000 से, तो हमारा कैश रह गया 60,000, स्टॉक हो गया 60, टोटल एसेट्स होगी 120 की, उधर हमारी कैपिटल 120 ही रहेगी। फिर कहता है उधार पर फर्नीचर परचेज किया, तो क्या हो गया फर्नीचर हमारे पास आ गया 52,500 रुपये का, वो ऐड हो जाएगा, उधार पे खरीदा है हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी में 52,500 ऐड हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में कहता है नगद में हमने माल बेचा, नगद में हमने माल बेचा तो हमारे पास कैश आ गया 30,000, कैश में ऐड हो जाएगा, गुड्स हमारी 30,000 की लेस हो जाएंगी, तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, कैश हमारा 90,000 है, गुड्स हमारी 30,000 है, और हमारा फर्नीचर है 52,500, टोटल एसेट्स का हो गया 1,72,500, उधर हमारी कैपिटल है 1,20,000 और लाइबिलिटी है 52,500, तो टोटल हो गया 1,72,500, तो ये इक्वेशन हमारी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। नेक्स्ट है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश आ रहा है, कैश में ऐड हो जाएगा, उधर लाइबिलिटी में सॉरी अदर साइड हमारी कैपिटल आ रही है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, गुड्स परचेज की उधार पे फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, उधार पे भी खरीदी है 20,000 30,000 की और नगद में खरीदी है 20,000 की, तो कैश में से 20,000 कम हो जाएंगे, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा 20 प्लस 30 का, उधर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 30,000 की। हमने प्रॉफिट पर गुड्स को सेल किया है, 10,000 हमारा प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट पे हमने सेल किया है, तो क्या होगा गुड्स हमारी कम हो जाएंगी 10,000 की, डेटर हमारे हो जाएंगे 12,000 के, क्योंकि 10,000 पे 20%, 2,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, 12,000 हमारे डेटर हो गए, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी कैश 80,000 है, स्टॉक 40,000 है, डेटर 12,000 है और कैपिटल हमारी 1,02,000 है और क्रेडिटर हमारे 30 हैं, टोटल करेंगे तो बोथ साइड 1,32,000 आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।